देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम जानेंगे, सपा नेता अखिलेश यादव ने 2024 में बीजेपी की विदाई की क्यों कही बात, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण मामले में क्या आया नया मोड़, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक बार फिर क्यों लिया निशाने पर, बात करेंगे हम पीएम मोदी के मन की बात की, और अंत में हम जानेंगे चक्रवात विपरजॉय से राजस्थान में जनजीवन कितना हुआ परेशान। लेकिन तमाम छोटी बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फिल्म आदिपुरुष की लगातार आलोचना के बाद राइटर मनोज मुंशीर ने कहा, लोगों को आहत करने वाले डायलॉग बदले जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिया बयान, कहा आप सरकार के अधीन होनी चाहिए दिल्ली पुलिस। विपक्षी एकता की मुहिम आगे बढ़ाने तेलंगाना जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। देश में एक तरफ बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी का जोर दिखाई दे रहा है। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि बिहार के पटना में बीते 24 घंटे में गर्मी से 35 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को यूएन में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे योगासन। महाराष्ट्र के उद्धव गुट की शिवसेना को लगा एक और झटका, पार्टी से जुड़ी प्रवक्ता मनीषा कायंडे शिंदे गुट की शिवसेना में हुई शामिल। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर कसा तंज, कहा 2024 में बीजेपी की विदाई पक्की है। दरअसल रविवार को अखिलेश यादव एक टीवी कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। वे कह रहे थे कि चुनाव और एकता के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है, जो दल भाजपा को हराना चाहते हैं वे समाजवादी पार्टी का साथ देने में बड़ा दिल दिखाएं। हमारा लक्ष्य भाजपा को प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हराना है। अखिलेश ने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उनके 6 साल के कार्यकाल में न एक जिला चिकित्सालय बना, न ही एक एयरपोर्ट बना। भाजपा सरकार में तो पुलिस लोगों पर अत्याचार कर रही है, दूसरी ओर भाजपा के सांसद थाने में घुसकर पुलिस को पीट रहे हैं, भाजपा के लोग दंगे कराते हैं। अखिलेश यादव ने NCRB के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा, यूपी की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। ऐसे में भाजपा 2014 में जैसे सत्ता में आई थी, 2024 में उसकी वैसे ही विदाई होगी। विदाई तो जंत्र मंत्र पर धरना देने वाले पहलवानों की भी करना चाहते थे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण, लेकिन पहलवान अपना एक भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। वो इस आंदोलन को और बड़ा करते जा रहे हैं और ब्रजभूषण के खिलाफ बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं पहलवान। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का मुद्दा अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। जंत्र मंत्र पर धरने की परमिशन को लेकर पहलवान साक्षी मलिक ने जो दावा किया है, उसे बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने बीते दिन गलत करार दे दिया है। बता दें कि परमिशन को लेकर साक्षी मलिक ने कहा कि हमें धरना देने के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं बल्कि भाजपा नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने मोटिवेट किया था, उन्होंने ही हमें धरने की परमिशन दिलाई थी। इस दौरान साक्षी मलिक ने एक पत्र भी दिखाया था। अब बबीता फोगाट ने इसे गलत करार देते हुए कहा है कि मुझे कल बड़ा दुख हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन साक्षी मलिक और उनके पतिदेव सत्यव्रत कादियान का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी, उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। अब देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। अब समय आ गया है कि आपको अपनी वास्तविक मनसा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। बबीता ने आगे कहा कि एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूँ और सदैव साथ रहूंगी, परंतु मैं धरने प्रदर्शन के शुरुआत से इस चीज के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलो, समाधान वहीं से होगा, लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी और उसके साथ आ रहे उन लोगों के पास दिख रहा था जो खुद बलात्कारी और अन्य मुकदमे के दोषी हैं। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है, उससे अब देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था।
पहलवानों के बयानों में नया मोड़ तो अब आया है जब 1 घंटे बाद ही साक्षी मलिक ने बबीता के बयानों को पलटवार किया। साक्षी ने कहा कि वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था, कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हास्य बोध इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाएं। दिल्ली में ब्रजभूषण को लेकर मामला अभी सुलझा ही नहीं था कि दिल्ली के सीएम राजस्थान में आकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। केजरीवाल एक कहानी के जरिए पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के रामलीला मैदान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर चौथी पास राजा की कहानी का जिक्र किया। इस बार कहानी का जिक्र केजरीवाल ने राजस्थान में किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया। केजरीवाल ने कहा कि चौथी पास राजा की कहानी आप जितना प्रचार प्रसार करोगे उतनी देश की तरक्की होगी। ये कहानी एक राजा की है जो चौथी पास है। वो अहंकारी राजा है, लेकिन इस कहानी में राजा की रानी नहीं है। एक बार बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उस दौरान ज्योतिष आया और बच्चे को देख और बोला, माई तेरा बेटा सम्राट बनेगा। माई हैरान रह गई। कुछ साल बाद बच्चा स्कूल जाने लगा। मन नहीं लगा तो चौथी के बाद स्कूल से नाम कटवा दिया। घर की गरीबी के कारण वो बचपन में ही चाय बेचने लगा। वो भाषण बहुत अच्छा देता था और घंटों तक भाषण देता रहता था। बाद में एक दिन वो राजा बन गया। पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो अफसर जहाँ बोलते थे वो वहीं साइन कर देता था। धीरे धीरे जब उसको पता चल गया कि राजा अनपढ़ है, और फिर उसने धीरे से एक फर्जी डिग्री ले ली। अब राजा और अहंकारी हो गया। पता तो कुछ था नहीं, किसी ने कहा कि नोटबंदी कर दो तो राजा ने नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया, सब बेरोजगार हो गए, सब रोजगार बर्बाद हो गए। फिर किसी ने कहा कि किसान कानून बना दो। अब राजा को समझ तो थी नहीं, उसने 3 किसान कानून बना दिए। नतीजा 750 किसान मर गए। आंदोलन हो गया, फिर राजा को अपने कानून वापस लेने पड़े। ऐसे में केजरीवाल ने अंत में कहा कि आपसे एक ही विनती है कि अगली बार वोट डालना तो ऐसे आदमी को वोट डालना जिसको इतनी समझ हो कि 2000 का नोट चलाना है या बंद करना है। चलाने और बंद करने की बात तो पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी की है, और इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक आपदा का भी जिक्र किया है। देखिए ये रिपोर्ट। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 102वें एपिसोड में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चक्रवात विपर्जॉय का जिक्र करते हुए कहा कि विपर्जॉय ने कच्छ में इतना कुछ तहस नहस किया, लेकिन जिस हिम्मत और तैयारी के साथ कच्छ के लोगों ने इतने खतरनाक चक्रवात का मुकाबला किया वह अभूतपूर्व है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का कोई जोर नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के समय में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये नदी नहर सरोवर ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते, बल्कि इनसे जीवन की रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। इसलिए आज देश कैच द रेन जैसी अभियानों के जरिए सामूहिक प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि यह दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर इस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। मन तो चक्रवाती तूफान विपर्जॉय द्वारा किए गए विनाश को भी देखकर सिहर उठता है, लेकिन क्या करें, इस पर किसी का कोई जोर भी नहीं है। हालांकि बचाव टीमों द्वारा इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में यह तूफान राजस्थान में काफी भयंकर रूप ले रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात के बाद राजस्थान में भी चक्रवात विपर्जॉय काफी कहर बरपा रहा है। यहां पर पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे भयंकर हालात बने हुए हैं। बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में तेज बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जालौर के सांचौर में सुरावा बांध टूटने से कई इलाके डूबने की खबर आ रही है। इस बांध के टूटने से नर्मदा लिफ्ट कैनाल में जल भराव हो चुका है, जिससे अब सबसे ज्यादा खतरा सांचौर शहर पर मंडरा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी रविवार सुबह ये बारिश का दौर जारी रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार विपर्जॉय का प्रभाव आज सुबह तक अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर समेत आसपास के जिलों में देखने को मिला है। इन जिलों में कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश होगी। इसके बाद आज और कल इसका असर भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों में रहेगा। कल चक्रवात और कमजोर होकर डिप्रेशन से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होगा। बता दें कि चक्रवात अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ आ
आगे बढ़ रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।